मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा प्रदेश की समस्त पंजीकृत गौशालाओं में निशुल्क पशु आहार देने के निर्णय के बाद सबसे पहले देपालपुर के विधायक विशाल पटेल एवं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्री 24 अवतार मंदिर की गौशाला में पशु आहार वितरित कर इसकी शुरुआत की गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में पशु आहार देने के निर्णय के बाद अब प्रदेश की गौशालाओं में प्रदेश सरकार द्वारा पशु आहार वितरित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत देपालपुर से की गई, जहां श्री 24 अवतार मंदिर की गौशाला में विधायक विशाल पटेल और दूध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल द्वारा गौ माता की पूजा कर और गुड़ खिलाकर पशु आहार वितरित किया गया। कार्यक्रम में विधायक विशाल पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि मंदिर और गौशाला के नाम पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की जाएगी। मंडल ने कहा कि भैया हमको इस ये जो हॉल है इसका पत्थर हमको लगाना है, मार्बल लगाना है, तो हमने चुनाव के पहले ही मैंने और बैठने के तुरंत बाद ही इसका काम भी चालू किया। तो हम लोग कभी मंदिर के नाम पे या गौशाला के नाम पे तो मैं कभी वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गौशाला खुद की अगर बात करो, माननीय कमलनाथ जी ने जो हर गांव में गौशाला की घोषणा करी कि हर गांव में गौशाला हो, वो गौशालाएं मैंने खुद ने निवेदन किया कि हर गांव में खोल देंगे, तो फिर जो हालत दूसरी गौशालाओं की हम जो देखते हैं वही हालत यहाँ हो जाएगी। मैंने खुद ने निवेदन किया, उसका एक जीता जागता सबूत है सगड़ूत, जो 30-30 लाख की गौशाला खुलती थी तो मैं एक मुश्त एक 3 किस्त गौशाला एक साथ खुलती, 1 करोड़ रुपए की एक ही गौशाला। मीडिया से बात करते हुए देपालपुर के विधायक विशाल पटेल ने बताया कि सीएम कमलनाथ ने गौ रक्षा का जो संकल्प लिया है, यह उसी संकल्प की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। वहीं दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने बताया कि आगामी दिनों में गौशालाओं की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इंदौर जिले की शुरुआत देपालपुर विधानसभा से हुई है, इस 24 अवतार मंदिर से। यहाँ शासन की ओर से जो स्वप्न था माननीय कमलनाथ जी का कि हमारी गौ माता को कैसे रक्षा मिल सके, कैसे सुरक्षित हो सके और सुचारू रूप से वो खुद जिस गौशाला में रहती हैं वहाँ बीमार ना हो, सुचारू रूप से यहाँ का संचालक मंडल कैसे उसको देख सके, इसी को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने आज जो शुरुआत करी है यहाँ पशु आहार की और भूसा की व्यवस्थाएँ की संपूर्ण मध्य प्रदेश में शुरुआत करी है, और एक वचन माननीय कमलनाथ जी का एक और पूरा हुआ है। गोभक्त प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने चुनाव के समय एक वचन दिया था कि हम गौ माताओं के लिए गौशालाओं का निर्माण करेंगे, गौशालाओं के निर्माण के साथ साथ जो हमारी गौ माता है वहाँ पर है उनके लिए हम चारे भूसे और खली की व्यवस्था करेंगे, जिसकी शुरुआत आज पवित्र दिन पवित्र स्थान पवित्र मंदिर से गौशाला देपालपुर के लिए आज इंदौर दूध संघ के माध्यम से इस देपालपुर से शुरुआत हुई है। और इंदौर जिले की 31 गौशाला हैं, उनमें 2-3 दिन के अंदर निःशुल्क जो पशु आहार हमारा जो एक पशु को 350 ग्राम देने का जो सरकार का आदेश हुआ है हमको मिला है, वो उस माध्यम से हम 2-3 दिन के अंदर सभी गौशालाओं में इसको वितरित करवा देंगे। कुल मिलाकर मकर संक्रांति के पर्व पर श्री 24 अवतार मंदिर में भी हर्षोल्लास देखने को मिला, जहां स्कूली बच्चों ने भी पतंग उड़ाकर मौज मस्ती कर संक्रांति पर्व मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देपालपुर।